हाय गाइस, आज हम लोग का बिहार पुलिस किशनगंज का साप्ताहिक आज का लास्ट दिन है और लास्ट ये रात है। आज किशनगंज की शाम है और यहाँ पे प्रोग्राम हम लोग का चल रही है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, चलते हैं स्टेज के पास में, आप लोग दिखाने के लिए मैं ले चलता हूँ कि प्रोग्राम आज बेहतरीन होने वाली है। और जो हम लोग का क्रिकेट मैच था जहाँ पे खगड़ा स्टेडियम में खेला गया था, वहाँ पे भी हम लोग उस मैच को जीते थे और यहीं पे जितने भी ट्रॉफी है वो पुरस्कार दिया जाएगा और हम लोग को भी मिलेगा। चलते हैं स्टेज के पास में। जोरदार ताली दर्शकों से अनुरोध है। वाह क्या बात है। माननीय पुलिस कप्तान पधार चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार ताली, जोरदार। ए बाज सभा कुछ तूने सुना, एसपी साहब जो आने वाले हैं। ए बाज सभा कुछ तूने सुना, एसपी साहब जो आने वाले हैं। कल्याण बिछाना राहों में, हम सभी यहाँ पलके बिछाने वाले हैं। जोरदार ताली एसपी साहब के लिए। वाह क्या बात है, गजब। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि और आज के इस कार्यक्रम के दूल्हा माननीय पुलिस कप्तान डॉक्टर इनामुल हक मेगनू साहब पधार चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं। और साथ में हम आपको बताता चलें कि मंच पे विराजमान हमारे बीच माननीय मुख्यालय डीएसपी सर माननीय अजीत कुमार, अजीत प्रताप सिंह, जिनके चौके और छक्के की बौछार से ये किशनगंज गूंज उठा कि वो अपने बेहतरीन कविता और एक शाम किशनगंज पुलिस के नाम। एक बार जोरदार ताली, युवा नौजवान पुलिस कप्तान डॉक्टर इनामुल हक मेगनू साहब। ऐ बादे सफा कुछ तूने सुना, एसपी साहब जो आने वाले हैं। कल्याण बिछाना राहों में, हम सभी यहाँ पलके बिछाने वाले। जोरदार ताली सर के लिए। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एसडीपीओ साहब, हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर साहब, खनन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक और जेल अधीक्षक, एटीओ साहब, पुलिस निरीक्षक गण, थाना अध्यक्ष गण, अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी और उनके समस्त परिवार, प्यारे प्रशिक्षु कुवनी, उपस्थित मीडिया बंधु, उपस्थित हमारे रेड क्रॉस के मिकी साहा जी और इस कार्यक्रम के आयोजक, उपस्थित सम्मानित किशनगंज जिला के नागरिक, उपस्थित मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से सलाम, नमस्कार और शाम बखैर। मैं एक कविता पढूं कि दो? दो। पहली कविता एक मजाहिया कविता है पुलिस पे, क्योंकि पुलिस पे तो बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। हम सोचे कि सबसे बड़ी कला है कि अपने अपने ऊपर मजाक उड़ाना, क्यों ना हम आज खुद अपना मजाक उड़ाएं। ये खासतौर से जो नाइट पेट्रोलिंग आजकल मैं ज्यादा कराता हूँ उनके लिए है ये। हर दर्द हर जख्म सहता है पुलिस, हर दर्द हर जख्म सहता है पुलिस, वर्दी खाकी में जीता है पुलिस, वर्दी खाकी में जीता है पुलिस। रात को सोते हैं जब इंसान सब, रात को सोते हैं जब इंसान सब, बालू लोमड़ कुत्ते और दिखती है पुलिस, बालू लोमड़ कुत्ते और दिखती है पुलिस। सेठ की कोठी की रक्षा के लिए, सेठ होते हैं कि हमारे मंत्री जी, अन्य गणमान्य व्यक्ति, सेठ की कोठी की रक्षा के लिए ठंड में गर्मी में मरती है पुलिस, ठंड में गर्मी में मरती है पुलिस। अमन का तमगा मिनिस्टर के लिए, मिनिस्टर होता है कि तमगा होता है रिवार्ड, अमन का तमगा मिनिस्टर के लिए, सीने पर पत्थर तो खाता है पुलिस, सीने पर पत्थर तो खाता है पुलिस। मुझे लगता है कि इसके बाद में जो शेर पढ़ूंगा वो सब पे लागू होता है। घर में मैडम पर नहीं चलती है जोर, घर में मैडम पर नहीं चलती है जोर, देश की रक्षा तो करता है पुलिस, देश की रक्षा तो करता है पुलिस। लात हो गाली हो या लाठी की मार, लात हो गाली हो या लाठी की मार, यसर 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 करती है पुलिस। लात हो गाली हो या लाठी की मार, यसर 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 करती है पुलिस।
दांत हाथी के हैं हम सब दोस्तों, दांत हाथी के हैं हम सब दोस्तों, बात दिल की तुमसे कहता है पुलिस। धन्यवाद। दूसरा कविता है, मुझे लगता है कि हमारे देश की अगर खूबसूरती है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता में बसी है। कभी कभी क्या होता है, कुछ सामाजिक तत्व जो इस भाईचारे में दरार डालना चाहते हैं, इस भाईचारे में हमें एक दूसरे से दूरी बढ़ाना चाहते हैं। मैं आप लोगों को ऐसे व्यक्तियों से सचेत करना चाहता हूँ एक कविता के माध्यम से। इससे पहले कि मैं कविता पढूं, मैं एक बात बोलूं, मैं इस कविता में अक्सर मुल्ला जी और पंडित जी की बात करता हूं, लेकिन मेरा इशारा है पाखंडी मुल्ला जी और पाखंडी पंडित जी की तरफ। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, मंदिर में भगवान। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, मंदिर में भगवान। मन मंदिर में सब रहते हैं, बात तो मेरी मान। मन मंदिर में सब रहते हैं, बात तो मेरी मान। दोनों के पैगाम भले हैं, गीता और कुरान। दोनों के पैगाम भले हैं, गीता और कुरान। पैगाम होता है कि मैसेज, संदेश। दोनों के पैगाम भले हैं, गीता और कुरान। पंडित मुल्ला बेच के इनको बन बैठे धनवान। पंडित मुल्ला बेच के इनको बन बैठे धनवान। तो मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि मैं पाखंडी मुल्ला जी और पंडित जी की बात करता हूँ, अदरवाइज मैं सभी धार्मिक उपदेशकों की बहुत सम्मान करता हूँ। अल्लाह और राम का शोर मचा के बांटते धन संतान। अल्लाह और राम का शोर मचा के बांटते धन संतान। भूल गया है मजहब क्या है, कुरान और गीता ज्ञान। भूल गया है मजहब क्या है, कुरान और गीता ज्ञान। मजहब के दुश्मन पाखंडी का कीजिए मत सम्मान। मजहब के दुश्मन पाखंडी का कीजिए मत सम्मान। इनसे रुस्वा दाढ़ी टोपी माला और अजान। इनसे रुस्वा दाढ़ी टोपी माला और अजान। प्रेम की भाषा जो अपनाए वो सच्चा इंसान। प्रेम की भाषा जो अपनाए वो सच्चा इंसान। मौला के बंदों की यही है लोगों एक पहचान। मौला के बंदों की यही लोगों है एक पहचान। धन्यवाद। मैं अपने SDPO साहब, DSP हेडक्वार्टर साहब, हमारे पुलिस थाना अध्यक्ष गण, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजक, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम को, पूरे एक सप्ताह में इतने कार्यक्रम हुए, उनका सफल बनाने में उनका परिश्रम उनके हार्डवर्क की वजह से ही हुआ है और मेरी अपेक्षाओं के मतलब बिल्कुल कई ऊपर, कि मैं सोचा ही नहीं था कभी कि इतने अच्छे से प्रोग्राम होगा। लेकिन मैं, क्योंकि इतनी प्रशंसा, इतना प्यार मिला है पुलिस परिवार को, तो मैं चाहता हूँ कि आज हम शपथ लें, हम अपने दायित्व के केंद्र को असीमित करके अनेक क्षेत्रों में अपना सक्रिय योगदान दें। चूँकि देश ने हमें एक पहचान दी है, एक वर्दी दी है, हम चाहते हैं कि अपना सक्रिय योगदान करके हम विभिन्न क्षेत्रों में अपना सक्रिय योगदान दें। और प्यारे बच्चों की प्रस्तुति देखकर, किशनगंज टाउन से लेके दूर गाँव में बहादुरगंज, ठाकुरगंज, मैंने खेल के मैदान से लेके मंच पर लोगों के, बच्चों की, प्यारे बच्चों की प्रस्तुति देखकर, खासतौर से गायन में, चित्रकला में, अभिनय में, नृत्य में, तो मुझे बहुत, दिल बहुत खुश हुआ। तो मुझे लगता है कि किशनगंज की ज़मीन बहुत जरखेज है, बहुत जरखेज है। इनको अगर सही दिशा दी जाए, सही मंच दिया जाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमारे, ना ही हमारे ज़िले का बल्कि हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। ये बात कहकर मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।